कर्म सिद्धांत को समझने की जरूरत है। वैसे पूरी दुनिया में इस पर चिंतन हुआ है, लेकिन भारतीय चिंतन बहुत गहरे में है। और पूरा काल से इसकी प्रौढ़ता हो गई है, बीच बीच में कमजोरियां आई हैं, अब आती भी रहेंगे, क्योंकि कुछ भावना प्रधान लोग होते हैं, वे तथ्य से आंखें मीच लेते हैं और शॉर्टकट रास्ता चाहते हैं। तो वो गड़बड़ करते हैं, वो भी विद्वान होते हैं, योग्य होते हैं, उनकी पुस्तक भी शास्त्र कहलाती है, वो भी चल निकलता है, लेकिन विवेक सबसे बड़ी चीज है, युक्ति और प्रमाण किसी सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए दो है, युक्ति है तर्क, प्रमाण है इतिहास, इतिहास, इति ऐसा हा कहा जाता, आस है, ऐसा कहा जाता है। तो कहा जाने में त्रुटियां भी हो सकती हैं, लेकिन तर्क में त्रुटि नहीं होती है। तर्क सुतर्क कुतर्क नहीं, जो वैज्ञानिक हो, युक्त युक्त हो, वह तर्क। गौ उकार विविचार सह माँ फलहानि विमूल, अहो जाने तुलसी जतन बिन जाने यू शूल। ये सतसई में गोस्वामी जी ने कहा। कितने लोग इसको गोस्वामी जी का नहीं मानते हैं, सतसई। अयोध्या में कहीं सतसई का पाठ कथन नहीं होता है, और बहुत बढ़िया ग्रंथ है। मैंने तुलसी पंचामृत में सतसई को प्रथम अध्याय रखा है, उसकी टीका कर दी है, बहुत बहुत दिनों से वो चल रहा है। गह उकार, उकार तर्क, विविचार सा बहुत विचार पूर्वक तर्क करो, छिछला नहीं। गह उकार विविचार सह तर्क ग्रहण करो, लेकिन बहुत विचार पूर्वक। माँ फलहानि विमूल, माँ माया, उसका फल जड़ के सहित नाशवान है, इसलिए उसमें न उलझो। अहो जान तुलसी जतन, गोस्वामी जी कहते हैं यत्न पूर्वक अहो को जानो। अहो नाम आश्चर्य, जो आश्चर्य लगता हो उसे आश्चर्य है नहीं। बिन जाने यूशूल, बिना जानने से ही कष्ट है। तो जिनको परंपरावादी लोग कहते हैं, और परंपरावादी थे भी और परंपरावादी नहीं भी थे, क्योंकि पुरानी परंपरा तो वेद है, वेद के इंद्र को कहाँ मानते हैं। ऋग्वेद के चौथाई हिस्से में इंद्र की महिमा है, और उस इंद्र को गोस्वामी जी रत्ती भर नहीं मानते, तो परंपरावादी कहाँ हुए। तो परंपरावादी और गैर परंपरावादी, ये भी एक विचारणीय विषय है। तो इतिहास प्रमाण युक्त युक्त हो, और तर्क ठीक है, लेकिन तर्क सुतर्क। कर्म ऐसा है, भौतिकवादी भी कहते हैं एक्शन टू रिएक्शन, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है, और कोई कहे न कहे, हम आप स्वयं सोचें, अगर मन में कटुता लाएंगे तो उसका परिणाम दुख होगा, अपने लिए, दूसरे के लिए भी हो जाएगा। दूसरा विवेकवान है वो दुखी नहीं भी होगा, लेकिन मैं तो दुखी हो जाऊंगा, कट बोलूंगा उसका परिणाम मेरे ऊपर बुरा होगा, कट कर्म करूंगा मुझे वो खाएगा। कर्म तो सामने है,
आदमी जैसा करता है वैसे संस्कार बनते हैं, जैसे संस्कार बनते हैं वैसे उसके सामने शांति अशांति का फल आता है। कर्म करने की प्रेरणा कहाँ से मिलती है? महाभ्रम है कि ईश्वर सबसे सब कुछ करवाता है। और भक्ति भावना की भावुकता में इतना कहा जाता है, प्रभु की इच्छा बिना तृण भी नहीं हिलता। और ये बात देखने सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, ऐसा कहने वाला बहुत बड़ा ईश्वर का भक्त है, लेकिन ये पूरा गलत है। ईश्वर की इच्छा बिना कुछ नहीं होता। तो ईश्वर का अर्थ क्या है? एक है जो सब जगह है, सब कुछ जानता है, वही सबसे करवा रहा है, तो हमारा आपका कोई दोष नहीं, और हमारे ऊपर कोई उसका कर्म फल भोग नहीं होना चाहिए। जब उसकी इच्छा बिना कुछ नहीं होता है, तब करने वाला तो एक साधन हुआ। तलवार से किसी को कोई मार दे तो तलवार जब्त तो होती है, पकड़ा जाए तो आदमी, लेकिन तलवार तोड़ी नहीं जाती, बंदूक पिस्तौल तोड़े नहीं जाते, क्योंकि वो निरपराध है, चलाने वाला अपराधी है। हम लोग तो एक बंदूक तलवार की तरह है, ईश्वर चला रहा है तो ईश्वर भोगे, भोगते तो हम हैं। इसलिए ये कहना कि ईश्वर सबसे सब कुछ करवा रहा है, हम कठपुतली हैं, वो सूत्रधार है, ये भावुकता के अतिरिक्त और कुछ नहीं। यथा काम अभवत तत्कर्तुर्भवत, यत्कर्तुर्भवत तत्कर्म कुरुते, यत्कर्म कुरुते तदुप संपद्यते। ये बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क ने कहा, जैसे आदमी कर्म कर संकल्प वाला होता है, वैसे कर्म करने की इच्छा वाला होता है। जैसे कर्म करने की इच्छा वाला होता है वैसे कर्म करता है, जैसे कर्म करता वैसे फल पाता है। ये गणित की तरह है, अपनों कर्म न मेटो जाई, कर्म का लिखा मिटे दो कैसे, जो जो कोट सिराई। ये कबीर साहब कहते हैं, कर्म का बांधा ये विधि, भर्म का बांधा ये विधि आवे जाए। कर्म सिद्धांत पक्का है, लेकिन दैववाद और ईश्वरवाद ने उसको गड़बड़ा दिया है। गंगा में नहाओ सब पाप कट जाएगा। जहां आप लोग बैठे हैं तीर्थराज प्रयाग में, यहाँ तो पाप पड़ता ही नहीं, चाहे जो करो। काशी में कोई पाप नहीं पड़ता है, इसलिए वहां भी डर नहीं है, चाहे जो करें लोग। ये सब इतना खराब किया है इस महिमा ने, कर्म सिद्धांत को हिला दिया। गायत्री जपने से सारे पाप भस्म हो जाते। गायत्री छंद जब द्विजातियों की दीक्षा में कभी नियुक्त हुआ, तब से उसकी महिमा बढ़ी, विज्ञापन बढ़ा, उसके पहले कुछ नहीं था। करीब करीब 2500 गायत्री मंत्र ऋग्वेद में हैं, 2500 से थोड़ा कम है। सभी गायत्री मंत्र आदरणीय हैं और अच्छे अच्छे मंत्र हैं। मधुवातारिता इति मधुचरंत सिंधवा माधुर्न संत औषधि, ये भी ऋग्वेद का गायत्री मंत्र है। रित नियमों के पथ पर जो चलता है उसके लिए हवाएं मधु ढोती हैं, नदियां मधु बहाती हैं, वनस्पतियां मधु बरसाती हैं। ये कितना उत्तम भाव वाला मंत्र है, ये भी ऋग्वेद का गायत्री मंत्र है। तत्सप्तुर्वरेण्यम जब द्विजातियों की दीक्षा में नियुक्त हुआ, तब विज्ञापन बढ़ने लगा, और विज्ञापन सब खराब करता है। इतना खराब किया, इतना खराब किया, ब्रह्म हत्या कोई किए हो, गोवध किए हो, गुरु पत्नी के साथ दुराचार किए हो, ब्रह्म हत्या किए हो, ब्रह्मज्ञानी की हत्या कर दिया हो, गायत्री जप ले कट जाएगा। दिन भर का पाप शाम के जप से और रात भर का पाप सुबह के जप से कट जाता है। बेल पेड़ के नीचे बैठ करके एक महीना गायत्री का जप करे तो राज्य की प्राप्ति होती है। इसके तो आचार्य श्री राम शर्मा
का रचित गायत्री महाविज्ञान पढ़िए, तीन खंडों में, तो सब संकलित कर दिए हैं। जो आज तक उसकी महिमा में कहा गया था उसमें खास खास चीज़ों को संग्रह कर दिए। मैंने उनसे पूछा था 74 में कि गायत्री विषय में कुछ बताइए, तो मुस्करा के रागे नहीं बताए, कि मेरी पुस्तक पढ़ लीजिएगा। क्या बताऊँ, तर्कहीन सब बातें। तो ऐसे गायत्री केवल नहीं, राम नाम महिमा और महिमाएं सब। महिमा का मतलब है झूठाई का पुलिंदा। कर्म सिद्धांत को ये सब ने गड़बड़ाया है। नदियों में नहाने से पाप कट जाना, अमुक मंत्र जपने से पाप कट जाना, अमुक नाम लेने से पाप कट जाना, और भी इस ढंग की बातें, ये कर्म सिद्धांत के लिए भयंकर नुकसान करने वाले। और ईश्वर सबसे करवाता है ये गलती का प्रचार, आदमी निश्चिंत हो जाएगा, फिर सब करवाता है भगवान, हमसे क्या लेना देना है। आपसे कोई कुछ नहीं करवाता है, ना कोई भगवान करवाता है, ना कोई शैतान करवाता है। जैसी आपकी समझ होती है वैसे सोचते हैं, बोलते हैं, करते हैं, और उसी से बंधते हैं। इसलिए बहानेबाजी छोड़ें और किताबों के प्रमाण के चक्कर को छोड़ें, विवेक का प्रयोग करें। विवेक सबसे बड़ी चीज़ है। कबीर साहब ने कहा है, कहें कबीर भटकत फिरे पकड़ शब्द की छाएं। लोग शब्दों की छाया पकड़ करके घूमते रहते हैं, लिखा है लिखा है लिखा है। लिखी होने से कोई बात सच थोड़े होती है। विवेक से जो सच हो वो सच है। इसलिए सर्वोपरि प्रमाण विवेक है। हमसे कोई कुछ करवाता नहीं, हमारी समझ जैसी होती वैसा हम करते हैं, यही तथ्य है। और इसी से कल्याण है, क्योंकि तथ्य से ही कल्याण होता है। हम अपनी बुद्धि को संभालें, समझ को संभालें, वाणी मन विचारों को संभालें, कर्मों को संभालें, कर लेंगे फंस जाएंगे, कोई छुड़ा नहीं पाएगा। गुरु महाराज भी नहीं छुड़ा पाएंगे। गुरु की महिमा में भी बहुत भद्दा किया गया है, गुरु का चरणोदक पीते ही मुक्ति हो जाती है, गुरुदर्शन मुक्ति देती है, गुरुदर्शन मुक्ति देती है का अभिप्राय इतना है कि गुरु के पास जाओगे, उनके विचार सुनोगे, उनके दर्शन करोगे, मन में शांति आएगी। लेकिन वो शांति स्थिर करने के लिए उनके विचारों के अनुसार आचरण करोगे तब हो। जब विवेकवानों की बात सुनी जाती है और सन्नद्ध होके सुने तो मन स्थिर हो जाता है। मैं जब पहली बार बढ़ारा में आया, मुलाकात तो पहले हो गई, गुरु जी के दर्शन तो पहले हो गए थे, लेकिन उन्होंने कहा, जब मैं जहाँ मैं जन्मा था वहाँ बुलाया, जब एक जगह मिले तो गुरु जी गए, तो लौटे तो कहे कि देखो हम तुम्हारे यहाँ आए, तुम हमारे यहाँ आओ, हमारे यहाँ भंडारा है, सत्संग सम्मेलन। तो गया तो गुरुजी के पास जाता था, झोला रख देता था उन्हीं के चौके के नीचे और शुरू कर देता था सत्संग। तो पूछा तो गुरुजी बोलने लगे, तो मैं सन शांत समाधिस्थ जैसा हो गया। तो हंसने लगे हो कि देखो तुम सुन्न हो गए, अब उस समय में मुक्त हो गए। लेकिन वो मुक्ति स्थिर नहीं है, वो क्षणिक है। उसके बाद जब उठेंगे तो फिर वही प्रपंच दिमाग में घेरेगा। उसके लिए जो कहते हैं और जो विवेक से सच है उसको लेकर के स्वयं साधना करना पड़ेगा, तब कटेगा। खाली गुरु के दर्शन से मुक्ति हो जाए ऐसा कुछ नहीं। दर्शन तो आरंभ है, दर्शन की तो जरूरत है, दर्शन नहीं करेंगे तो संगत क्या करेंगे। तो महिमाओं ने बहुत नुकसान किया। हमें तो खुशी ये होती है कि वेद के ऋषि चमत्कार की बातें ज़्यादा नहीं करते हैं, वे प्राकृतिक शक्तियों के विषय में तो गदगद है, और जिस ढंग से उस समय सोचा जा सकता था सोचे, लेकिन उस जमाने में भी उन्होंने इतनी बढ़िया वैज्ञानिक बातें कही हैं कि आप पढ़ें तो देखें कि
क्या पूछना। पीछे वालों ने बहुत गड़बड़ाया, उपनिषद के चिंतकों ने तो ना अवतार माना, ना कोई देवता माना, ना चमत्कार माना, ना महिमा की बात कही, ना जात पात की बात कही, ना छुआछूत की बात कही। आत्मज्ञान, सदाचार, नैतिकता, कर्म सिद्धांत, ये सब कहा। अब उसके बाद कितना बिगाड़ा गया है। तो कर्म करने के हम जिम्मेदार हैं और हम उसे बदल सकते हैं। बदलना ही जीवन का सुधार है। कर्म, पाप और पुण्य दो होते हैं। उसकी परिभाषा हम संक्षेप में करें तो इतना ही है, अपने मन को खराब करना और दूसरों को तकलीफ देना, ये पाप है। अपने मन को पवित्र करना और दूसरे के लिए सुविधा का कुछ काम जो बन सके करना, ये पुण्य है। और यह करने में हम स्वतंत्र हैं। कर्म का फल भोग कर्म के अनुसार होता है। कर्म फल भोग कौन देता है? ईश्वर देता है। वैसे वैशेषिक दर्शन अदृष्ट से कर्म फल भोग मानता है, विशेष विशेष कहता है। मीमांसा अदृष्ट कहता है, मीमांसा शास्त्र। योग दर्शन कर्म सिद्धांत मानता है, सांख्य दर्शन मानता, वेदांत भी मानता है। और उसमें स्थूल ईश्वर नहीं पेश करता है। पुराणों में ये सब स्थूल ईश्वर पेश किया गया है। ईश्वर कह देने से अर्थ ये हो जाता है, एक व्यक्ति जो जानता है, समझता है, करुणा करता है, कोप करता है, ये ईश्वर की परिभाषा हो जाती है। और ऐसा व्यक्ति ईश्वर कभी भी कर्म फल भोग नहीं दे सकता है। कल्पना कीजिए, एक एकड़ गेहूं, एक एकड़ खेत में कोई गेहूं के बीज बोए और किसान को उन बीजों को फोड़ फोड़ के अंकुरित करना पड़े तो नहीं कर सकता है। लेकिन ऋतु, खाद, पानी, ऊष्मा, प्रकाश, बीज, सारी योग्यताओं के संपादित हो जाने पर करोड़ों एकड़ के जमीन की के बीज अपने आप उगाएंगे, क्योंकि वो व्यक्ति नहीं है, नियम है। व्यापक काम नियम में होता है और व्यक्ति व्यापक काम नहीं कर सकता है, संकुचित कर सकता है। एक टिकट काटने वाला काउंटर पर बैठा है, एक एक टिकट काटेगा। ईश्वर अगर व्यक्ति है और कर्म फल भोग देता है तो नहीं दे पाएगा, क्योंकि हर क्षण असंख्य जीव देह धरते और छोड़ते हैं और जीव ईश्वर व्यक्ति है तो कैसे कर्म फल भोग दे पाएगा, क्योंकि वो सोच के देगा, एक को देगा, फिर दूसरे को देगा, फिर तीसरे को देगा, कैसे दे पाएगा। इसलिए व्यक्ति ईश्वर कर्म फल भोग देता है गलत है, नियम से होता है, वो प्राकृतिक नियम है। कर्म सिद्धांत का वो नियम है, ऑटोमेटिक होता है। बीज से वृक्ष अपने आप उगता है। कर्मों के संस्कार सूक्ष्म शरीर में निहित होते हैं और वे जीव के साथ चलते हैं। वो अदृश्य है लेकिन फल रूप में आते हैं। एक बट का दाना कितना महीन है लेकिन मिट्टी पानी संयोग पा करके कितना विशाल वृक्ष हो जाता है। ऐसे कर्मों के संस्कारों के अनुसार कर्म फल भोग अपने आप आते हैं, उसको किसी को देना नहीं पड़ता है, ये स्वभाव सिद्ध है। देखिए, विविध प्रकार के वृक्ष हैं, उनके बीज हैं और उनसे वही होने वाला है। एक पेड़ तैयार है, उसमें कटहल की बात है तो कटहल, बड़े बड़े कटहल हो जाते हैं। एक में है तो नारंगी, एक में सेब, एक में केला, एक में आंवला, वो सब उसमें बीजी असर है। ऐसे कर्म सिद्धांत के अपने असर होते हैं और ये सब का ईश्वर से रहित कारण कार्य व्यवस्था के अनुसार विवेचन शास्त्रों में खूब है, लेकिन वो समझने समझाने में परिश्रम है। इसलिए पंडित महात्मा लोग भगवान कह करके बला टाल देते हैं।
और उसके साथ साथ महिमाएं लगा देते हैं तो सब गड़बड़ हो जाता है, फिर कर्म पर दृढ़ता खत्म हो जाती है और सस्ते नुस्खे में समाज बहने लगता है जैसे आजकल बह रहा है। तो कर्म फल भोग ईश्वर देता है, तो ईश्वर विश्वव्यापी नियम है, कर्मों का सिद्धांत ईश्वर है और उसी से फल होता है। फल आएंगे, आदमी कर्म करते करते जीवन व्यतीत करता है, कर्म से कोई बचता नहीं। कर्म से अपने को ऊपर उठाना ये मानव की मानवता है। रागात्मक बुद्धि से जो कर्म होते वो बांधते, जो रागात्मक बुद्धि से नहीं होते वो नहीं बांधते, लेकिन उसमें भी अंतिम स्थिति के लिए संयम की आवश्यकता है। कर्मों में उसको संयम करने की आवश्यकता है, राग करके सुख पाने के लिए आदमी कर्म करता है। वह सुख आंतर है कि भीत बाहर है ये विचारणी है। अगर बाह्य विषयों से सुख की कामना करके काम करता है तो रागात्मक है, वो बांधने वाला है। वह सुख जो अंतर है आत्मसंतोष का है, ये कल्याण करने वाला है। एक कर्म है बोना उपजे बीज बहुत, एक कर्म है भूनना उगे न अंकुर सूत। एक कर्म बोना होता है, बीज बोते ही वही कर्म है और बहुत फिर फसल आती है, और एक कर्म है दानों को भून देना, फिर वो कभी नहीं उग सकता। दोनों कर्म है लेकिन कर्म कर्म में अंतर है, आसक्ति पूर्वक कर्म अनासक्ति पूर्वक कर्म, और आत्म सुख का कर्म विषय सुख का कर्म, दोनों बड़ा फर्क है। विषय सुख का कर्म बांधता है, आत्म सुख का कर्म खोलता है। हमारी यात्रा अनादिकाल से बाहर है, इसलिए हम बाहर भटकते हैं, बहिर्मुख है। बाहरी भोगों के लिए मेरे मन में राग होता है, उसको प्राप्त करने के लिए पाप और पुण्य दोनों होते हैं। पाप और पुण्य होने में रागात्मक उद्वेग होता है, वो उद्वेग हमें बहिर्मुख बनाता है। पुण्य काम करते हैं उसमें भी उद्वेग होता है, पाप करते हैं वो तो उद्वेग खाई ही। जो समझदार होता है पाप नहीं करता है, पुण्य काम करता है, लेकिन बाहरी सुख पाने के लिए करता है तो उसमें भी उद्वेग होता है, सूक्ष्म उद्वेग, वो उद्वेग बांधता है। लालसा होती बाहर के भोगों की, बाहर की भोगों की वासना जब मिट जाती है, अंतर्मुख अंतर संतुष्ट होने की इच्छा होती है, तो उसके लिए जितने कर्म होते हैं वे उद्वेगक नहीं होते हैं, वे उद्वेग को तोड़ने वाले होते हैं, जीव को भव बंधनों से मुक्त करने वाले होते हैं। हम अनादिकाल से भटक रहे हैं, इस जीवन में तो होश है, अनादिकाल से भटकते हैं हम पुनर्जन्म सिद्धांत से और आत्मा के अस्तित्व के निश्चय से कहते हैं, अनुभव नहीं। लेकिन इस जीवन में तो अनुभव है, जब से होश में आए हैं तब से सुख के लिए भटक रहे हैं और पाए हैं दुख। जहाँ तक बाहरी विषय हैं, छोटा ऐश्वर्य बड़ा ऐश्वर्य, छोटा पद बड़ा पद, ये जो कुछ भी है, उन सब से हमें क्लेश मिला है, असंतोष मिला है, पीड़ा मिली है, अवसाद मिला है। क्षणिक जो उसमें सुख माने हैं वो सुख ही दुख बन करके आगे हमें घेरा है। अब ऐसा भी सोचने की जरूरत है कि अंतर यात्रा करें, अब दूसरी दुनिया में जाएं। बाहर की दुनिया में छक करके भोग लिए हैं, देख लिए हैं, अंतर की दुनिया में जाएं जहां दुनिया नहीं है, जहां अपने आप प्रशांत निर्मल है, स्थिर है, दृश्य का अभाव है, शुद्ध चैतन्य मात्र है, आत्म अस्तित्व, उसमें लौटने का प्रयास होना चाहिए। ये प्रयास कर्म बंधन को काटता है,
और जब ये स्थिति पक्की हो जाती है तो कर्म बंधन सब विच्छिन्न हो जाते हैं। कर्म सिद्धांत को समझने की आवश्यकता है। पहली शर्त तो यह है कि हम गलत काम से अच्छे की तरफ बढ़ें, बदलें जीवन को, दूसरे को तकलीफ देना छोड़ें, दूसरे के मार्ग में रोड़ा करना छोड़ें, दूसरे की बुराई निंदा चुगली करना छोड़ें, दूसरे की क्षति करना छोड़ें, इंद्रिय संयमी हों, अधिक से अधिक संयमी हों, पूर्ण संयमी होने की आवश्यकता है। लेकिन पहले तो अधिक संयमी होना बहुत अच्छा है। जीव हत्या, चोरी, व्यभिचार, अपने में भी अधिक लंपटता, ये सब छोड़ के संयमी बने। मन ठीक हो, वाणी ठीक हो, कर्म ठीक हो तो पाप अपने आप घटते चले जाएंगे। पुण्य कर्म होंगे, वह पुण्य कर्म हमारे चित्त को शुद्ध करेंगे। पुण्य कर्म निष्काम भाव से करने की चेष्टा करनी चाहिए। समाज की सेवा, परिवार की सेवा, किसी की सेवा की जाए निष्काम भाव से, बाल बच्चे की सेवा की जाए, उनसे लौट करके कुछ पाने की इच्छा न रखे, वे जो कर दें धन्यवाद दें, न करें कोई तकलीफ नहीं। और जहाँ बच्चों से पाने की इच्छा करोगे तो थोड़ा उनके लिए करोगे और ज़्यादा पाना चाहोगे और कर नहीं पाएंगे, तकलीफ होगी, क्योंकि हमारे मन के अनुसार कोई नहीं कर सकता है। हमारा मन पता नहीं क्या क्या चाहता है, हम कितना करते हैं दूसरे के लिए। निष्काम हुए बिना संतोष हो ही नहीं सकता है। परिवार वालों के लिए, समाज वालों के लिए, बाहर वालों के लिए, स्व के लिए, पर के लिए कुछ भी सेवा करो, निष्काम होकर के करने का अभ्यास होना चाहिए। गीता में निष्काम कर्म पर बहुत जोर दिया गया है, क्योंकि उस समय हवन तर्पण पर बहुत ज़्यादा था, सकाम कर्म बहुत हो रहे थे, इसलिए गीताकार ने वैदिकों को फटकारा भी है। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्त विपश्चिता वेद वादरता पार्थ नान दृष्टित वादिना। अय पार्थ, ये वेद वेद चिल्लाने वालों की बुद्धि स्थिर नहीं होती, ये दिखाओ शोभायुक्त वाणी कहते हैं, ये यज्ञ करो ये स्वर्ग मिलेगा, ये यज्ञ करो पुत्र मिलेगा। यामिमाम पुष्पिताम वाचम, इनकी बात पुष्पित है, दिखाओ शोभायुक्त है, सार नहीं है। इनकी बुद्धि स्त्री ही नहीं है, क्योंकि भोगों के लिए लगे हुए हैं। कई श्लोक कह करके कहा, त्रैगुण विषया वेदा निस्त्रैगुणो भव अर्जुन, निर्द्वंद्वो नित्य सत्त्वस्थो निर्योगक्षेम आत्मवान। वेद तो त्रिगुण कर्मकांड के विधायक है, अय अर्जुन तुम इनसे अलग हो जाओ, निर्द्वंद हो जाओ, नित्य सत्य में स्थित हो जाओ, आत्मवान बन जाओ, आत्मलीन हो जाओ। ये बिल्कुल कबीर साहब का विचार जैसा है। कबीर का विचार वो हर जगह मिल जाएगा जो तथ्य वाला होगा, कहीं भी हो जो तथ्य वाला होगा वो कबीर के विचारों से बिल्कुल मिल जाएगा, क्योंकि वो विचार सत्य का है, मानवीय हो ना कबीर का है ना हमारा है ना आपका, सबका है, सत्य सबका है। तो निष्काम कर्म के विषय में आधुनिक कितने आलोचक है उल्टा पलटा कहते, गीताकार को उल्टा कहने लगते हैं कि ये तो असत धारणा है ऐसी। लेकिन ऐसा कहने वाले विद्वान हो सकते हैं, साधक नहीं। और आध्यात्मिक बात को बुद्धि के जोर से कहने का जो प्रयास करेगा वो सफल नहीं होगा, इसलिए साधना की आवश्यकता है। कोई साधक निष्काम कर्म योग का खंडन नहीं कर सकता है, क्योंकि वो स्वयं अनुभव करता है, उसका चित्त निष्काम है और निष्काम पूर्वक उसे निष्काम भाव पूर्वक वो सेवा करता है, काम करता है। इसलिए निष्काम कर्म करना, पाप से बचना, पुण्य करना और पुण्य निष्काम भाव से करना, ये निष्काम भाव का कर्म अंतर्मुख होने में सहायक होता है।
कर्मों से ऊपर उठने की स्थिति आती है। कबीर साहब ने कहा, सुरनर मुनि और देवता सात दीप नौखंड, कहें कबीर सब भोगिया देह धरे को दंड। सबको देह धरे का दंड कर्म फल भोग भोगना पड़ता है। लेकिन जहां पर वो ज्ञान की बात कही उन्होंने, तौलों तारा जगमगे, जौलों उगे न सूर, तौलों जीव कर्म बस डोले, जौलों ज्ञान न पूर। तारे तब तक टिमटिमाते हैं जब तक सूरज उदय नहीं होता है। सूरज के उदित होते ही तारे के तेज छीण हो जाते हैं। इसी प्रकार तौलों जीव कर्म बस डोले, तब तक जीव कर्म बस डोलता है, जौलों ज्ञान न पूर, जब तक पूरा ज्ञान नहीं उदय होता है। कर्म बस डोलने का मतलब है चित्त का भटकना। बाहर का डोलना तो सबको जरूरी है, शरीर से परिश्रमी होना, काम करना, मेहनत करना, मेहनत की आवश्यकता है। जीवन मुक्त का थोड़े ही कि हाथ पैर बटोर के बैठ जाए, शरीर से श्रम की जरूरत है। गांधी जी ने एकादश व्रत में शरीर को तो एक व्रत माना है, शरीर श्रम अस्वाद सर्वत्र भयवर्जन। और गांधी जी ने नहीं माना है, ये प्रकृति बताती है। आलसी आदमी निकम्मा हो के, बीमार हो के, मानस रोगी हो के अपने को पतित करता है। तो चलना फिरना दौड़ना काम करना है तो ठीक है, लेकिन कर्म बस डोलने मतलब है चंचल होना, मन उद्वेगित होना। तौलों जीव कर्म बस डोले, चित्त स्थिर नहीं, मन में शांति नहीं, यही डोलना है। तमाम ख्वाहिशें, तमाम लालसाएं, थोड़ी भी लालसा है तो कसर है। गुरु बनने की लालसा है तो नरक है, महंत बनने की लालसा है तो नरक है, प्रवक्ता बनने की लालसा है तो यही बंधन है। सहज काम करो, अपना काम करो, दूसरे को राय दे दो, और राय देना ही प्रवचन है। जितना हो उतना हो, सबको सुधार पाओगे। आज तक कोई हुआ है? हजारों खिज्र पैदा कर चुकी है नस्ल आदम ने, ये सब तस्लीम, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। फिराक गोरखपुरी का ये वचन है। फिराक साहब का कार्यक्षेत्र इलाहाबाद ही था, बहुत बड़े विद्वान थे, गोरखपुर के थे। उनसे मेरी मुलाकात 1969 में गोरखपुर में हुई थी, जब वहाँ कबीर मेला लगा था। मुझे भी बुलाए थे तो मैं गया था। मैंने उनसे कहा कि आपके लेख का अंश कबीर के विषय में जो है, उसका लेख का बड़ा सा अंश मैंने अपने बीजक की भूमिका में रखा है। उन्होंने कहा, क्या शुक्रिया मैं अदा करूँ। बहुत भाव विभोर हुए। उनका ये वचन है, हजारों खिज्र, खिज्र नाम उपदेष्टा, पैदा कर चुकी है नस्ल आदम ने, आदम की वंश परंपरा ने हजारों उपदेष्टा पैदा कर दिए। ये सब तस्लीम, ये सब मैं स्वीकारता हूँ, लेकिन आदमी अब तक भटकता है। तो ये जो उपदेष्टा लोग ये तृष्णा में हैं, मैं सबको हंस काग से हंस बना दूंगा, वे खुद भटक रहे हैं। अपने को काग से हंस बना लें, पहला काम है। हमारे संतों के ही विधान रहा, ऋषियों के ही विधान रहा कि गुरु की शरण में जाना और विनम्र होकर के सेवा भक्ति पूर्वक उपदेश ग्रहण करना और साधना करना। साधना द्वारा परिपक्व हो जाना, कृतार्थ हो जाना, तब दूसरे को बताना, ये विधा रही है। उपनिषदों को आप देखें, पिपलादरिस के पास 6 विद्वान जाते हैं, महाशाला महाश्रोत्रिय, वे महाश्रोत्री हैं यानी विद्वान हैं, महाशाला बड़े बड़े भवन वाले, वे जाते हैं आश्रम में। पिपलाद कहते हैं, तुम लोग क्यों यहाँ पढ़े हो? वे कहते हैं, महाराज हम लोगों के कुछ प्रश्न हैं आध्यात्मिक, उसका उत्तर चाहते हैं। तो कि अच्छा ठीक है, एक वर्ष तक ब्रह्मचर्य पूर्वक आश्रम में रह करके सेवा करो, एक वर्ष के बाद अपने प्रश्न कहना,
अगर मैं जानता हूँगा तो उत्तर दे दूंगा, इतना लापरवाह। ये भी नहीं पूछते हैं कि अभी बता दो, उसी समय बताना, जानता हूँगा तो उत्तर दे दूंगा। अवै इतने विद्वान इतने धनी आश्रम में रह करके एक वर्ष ब्रह्मचर्य वास किए। जब एक वर्ष पूरा हुआ तो बुलाया, तो एक एक को उन्होंने पूछा और उसका उत्तर दिया। प्रश्न उपनिषद इसी में बना है। उपनिषद सौरभ में इसको आप विवरण पूर्वक पढ़ सकते हैं, जो यहाँ की पुस्तकों में है। तो ऋषियों ने कभी ऐसी तृष्णा नहीं की कि मैं सबको जगा दूंगा। वो अंतर्मुख होते थे, उनके पीछे पड़ते थे लोग तो उपदेश करते थे। आजकल तो लोग खड़े खड़े आत्मबोध चाहते हैं, और गुरु भी ऐसे हैं कि वो चेले के पीछे पड़े रहते हैं। चेला मिल जाए तो चेला के चेला बनने के तैयार रहते हैं। पहले भी रहे होंगे, कम बेस तो अच्छे बुरे हर जमाने में रहते हैं। उपनिषद में बात आती है कि ये धन का लोभ ब्राह्मण ऐसे लोगों का भी यज्ञ कराता है जहाँ नहीं कराना चाहिए, और जिसका दान उचित नहीं उसका दान भी ले लेता है। तो इसका मतलब ऐसे भी ब्राह्मण तब भी होते थे जो घटिया कोट का काम करते थे, जैसे मानो आदमी उपेक्षित है, खराब कर्म करने वाला है। तो खराब कर्म करने वालों के लिए सब समय एक ताड़ना है कि वे शुद्ध हों, सामाजिक रूप में बड़े पुरुषों द्वारा वो क्षमा किए जाएं और फिर उनको रास्ता दिखाया जाए, वो प्रायश्चित करें, सुधार करें, तब उनको लिया जाए। लेकिन पैसे का लोग ऐसे लोगों को भी यज्ञ करवा लिए और दान ले लिए, और सब कुकर्म करते हैं लेकिन दान लेते रहते हैं उनसे। तो अच्छे बुरे हर जमाने में होते हैं, लेकिन जो अच्छे लोग तब थे आज हैं उनका यही विधान है, अपने को पहले शोधना तब दूसरे को बताना। और दूसरे सबको हम तार देंगे, महाभ्रम है, अपने को तार है। बाहरी यात्रा बहुत हो चुकी है, जो समझ पाए अंतर्मुख हो। समझना भी मुश्किल है, समझ करके विश्वास होना मुश्किल है, फिर उसके लिए साधना करना। जब करें तब सरल हो जाएगा, तब लाभ लगेगा, क्योंकि इसके समान कोई सुख नहीं है, अंतर्मुखता के समान कोई सुख नहीं है। कर्म बंधनों से मोक्ष, कर्म बंधनों से मोक्ष का अभिप्राय क्या है? अबोध राग उत्पत्ति कर्म, बोध विराग से नाश, शुद्ध जीव बंधन रहित, जन्म मरण तज त्रास। ये विशाल देव की साखी है मुक्ति द्वार की। अबोध राग उत्पत्ति कर्म, अबोध से और राग से कर्मों की उत्पत्ति होती है। अबोध का अर्थ है मैं देह हूं ये मानना, राग का अर्थ है विषयों में खिंचाव, इन्हीं से कर्मों की उत्पत्ति होती है। जहां अबोध आया वहां राग आएगा, और जहां अबोध और राग इकट्ठे हुए फिर कर्मों की उत्पत्ति शुरू हुई, रागात्मक स्मरण शुरू हुए, देहाभिमान की याद, विषयों की याद, मान बढ़ाई पाने की याद। मन तो कैसा शैतान है सब जानते हैं, सबका अनुभव है। जब परखें तब जाने, नहीं तो नहीं जानते, उसी में बहते। तो कर्मों की उत्पत्ति का अर्थ है मन में रागात्मक प्रवाह चलना। जब रागात्मक प्रवाह चलता है तो वैसे वाणी निकलती है, वैसे इंद्रियों द्वारा क्रिया होती है। मन में केवल चलना काफी होता बाधने के लिए। मन में अगर रागात्मक प्रवाह निरंतर है तो बंधन के लिए उतना ही काफी है। फिर जो मन में जोर होगा वाणी में आएगा, कर्मों में आएगा। और कर्म बंधन से मोक्ष का अर्थ है रागात्मक प्रवाह मिट जाना, धीरे धीरे मिटता, एक लागे नहीं। मिटने लगे तो उन्नति हो रही है।
जीवा जीव आश्रुबंध संबर निरा मोक्ष तत्त्वम, ये जैन दर्शन का एक सूत्र है। जीवा जीव आश्रुबंध संबर निरा मोक्ष तत्त्वम, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष, ये सात तत्व हैं। जीव चेतन, अजीव जड़, जड़ चेतन, जीवा जीव आश्रव। आश्रव का मतलब है बहाव, स्रोत का बहाव, जड़ के तरफ से चेतन के तरफ बहाव, जड़ का संस्कार चेतन में आना, यानी चेतन जड़ पदार्थों में रागवान होकर के सोचता है, यही आश्रय है। झरना झर रहा है, विषयों के संकल्प विकल्प मन में चल रहे हैं, विकार आ रहे हैं, ये आश्रय है। ज्ञान द्वारा अपने चेतन स्वरूप को जड़ से अलग समझ लिया तो संवर शुरू हो गया, विकारों को छोड़ देने की प्रवृत्ति शुरू हुई। मन में विकार आए तो छोड़ दिया, विकार आए तो छोड़ दिया, आश्रय को सुखाने लगे, मनोविकारों को दूर करने लगे, और ये दीर्घ काल के अभ्यास से ऐसा हुआ कि विकार एकदम शून्य हो गया, तो निर्जरा हो गई। वहाँ एकदम कर्म संस्कार क्षीण हो गए, मोक्ष फिर मोक्ष सहज है। मोक्ष का मतलब है, मोक्ष अनदेख नहीं है, अदृश्य नहीं है, काल्पनिक नहीं है, आनुमानिक नहीं है। इसी जीवन में चित्त का उद्वेग शून्य हो जाना, क्लेश शून्य हो जाना, दुखहीन हो जाना, खिंचाव रहित हो जाना, मोक्ष का अर्थ है। कहीं आकर्षण नहीं, कहीं खिंचाव नहीं, कहीं कुछ पाने भोगने की इच्छा नहीं, जीने मरने की इच्छा नहीं, कुछ इच्छा नहीं, आत्मतृप्त, बस यही मोक्ष है। और कर्म बंधनों के कटने पर यह होगा, कर्म बंधन बलवान है, और कर्म बंधन कट जाने पर वो कुछ नहीं है। हजारों वर्ष का अंधकार पर्वत की गुफा में होता है, पर्वत की गुफा सैकड़ों वर्ष में नहीं बनती, हजारों वर्षों में बनती है, बड़ी बड़ी गुफाएं होती हैं। हजारों वर्ष का अंधकार है, टॉर्च चलाओ तुरंत प्रकाश हो जाएगा, लेकिन वैसे तील तलवार से वो नहीं कटेगा। अविद्या अंधकार अनादिकाल का है, लेकिन विवेक ज्ञान होने से वो मिटता है। विद्यते हृदय ग्रंथे छिद्यन्ते सर्व संशयाः, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि तस्मिन् दृष्टि परावरे, ये श्रुति वचन है। हृदय की गांठें कट गई, हृदय गांठ क्या है, राग द्वेष। विद्यते हृदय ग्रंथ छिद्यन्ते सर्व संशयाः, सारा संशय छिन्न हो गया, मुक्त होके कहाँ रहेंगे, जीवन मुक्ति क्या है, विदेह मुक्ति क्या है, प्रारब्ध कैसे होगा, मैं बीमार हो जाऊंगा तो कौन सेवा करेगा, गुजर कैसे होगा, देह और मोक्ष दोनों के लिए जो संशय होता है उस बोध अवस्था में सब छिन्न हो जाता है। प्रारब्ध शरीर के साथ है, गुजर होता रहेगा, रोग व्याधि भी सब निपट जाएगा, और जो कुछ होगा सब होता रहेगा, उसकी चिंता करने की क्या आवश्यकता है। एक स्मृति मुझे आई, जब मेरी विरक्ति के विषय में पूरी परिपक्वता हो रही थी तो एक दिन मेरे शरीर के पिता ने कहा, अरे साधु होने में सब झंझट। मैं अयोध्या गया था तो लौटा तो रास्ते में एक मंदिर पड़ा, तो मंदिर में एक साधु थे, तो बाहर कुआं था, वो पानी भरने गए, तो बेचारे लोटे में तो भरे लेकिन बूढ़े बहुत थे। जब लौटे तो अपने आश्रम में जब प्रवेश करने लगे तो चौखट को पार नहीं कर पाए, एक पैर इधर एक पैर उधर, तो हाँफ करके बैठ गए। अब गृहस्थ होते तो बाल बच्चे होते, कोई आता उठाता, साधु आदमी कौन उठावे। तो मैंने कहा
कि अनादि काल से न मालूम कितना पशु पक्षी हुए होंगे, वहाँ जब पैर टूटे होंगे और घाव हुआ होगा तो कौन सेवा किया होगा। तो कह भाई इतना संतोष है तो ठीक और इतना संतोष किए बिना कोई वैराग कर पाएगा? वैराग का घर ही में रह करके सुखी नहीं होगा। आत्म संतोष के बिना कहीं कोई सुख नहीं पाएगा। भिद्धते हृदय ग्रंथे छिदंते सर्व संशया, बोधवान को कोई संशय नहीं रहता। छिन्ते चास्य कर्माणि, उसके सभी कर्म छीण हो जाते हैं, रागात्मक प्रवाह बंद हो जाता। तस्मिन् दृष्टे परावरे, उसकी दृष्टि पर अवर हो जाती है, पर अवर आर पार, उसी को कवि कहते हैं। दार्शनिक भाषा में, आध्यात्मिक भाषा में, संस्कृत के उसको कवि कहते हैं। कवि अंतर्दृष्टा, आर पार देख लेने वाला कवि। कोवि ये दो शब्द संस्कृत साहित्य में चलता है। कवि अंतर्दृष्टा, कोविद पंडित। तो तस्मिन् दृष्टि परावरे, उसकी दृष्टि आर पार हो जाती है, कुछ उसको झाल झंखाड़ नहीं रहता, निर्भ्रान दृष्टि। इस चीज को सत्संग में खूब समझना चाहिए। जो इसके पात्र हो उन्हें, पात्र तो सब हैं, धीरे धीरे समझते समझते समझ में आता है, और फिर इसका अभ्यास करना चाहिए। कर्म बंधन अबोध राग उत्पत्ति कर्म, अबोध, मैं शुद्ध चेतन हूँ ये बोध ना होना, देही को अपना रूप मानना, ये अबोध है। फिर तब राग, जहाँ देह को माने तो चाहे आप 80 वर्ष के हो, 20 वर्ष के जवान बनोगे, फिर वासना उदय होगी, फिर निरर्थक घुड़दौड़ मन की चलेगी, यही रागात्मक प्रवाह है। अबोध राग उत्पत्ति कर्म, अबोध से राग आएगा और फिर कर्मों की उत्पत्ति शुरू होगी। बोध विराग से नाश, बोध हुआ, ख्याल आया मैं शुद्ध चेतन हूं, राग खत्म हो गया देह का, तो रागात्मक प्रवाह बंद, बस कर्म का नाश हो गया। शुद्ध जीव बंधन रहित, जन्म मरण तज त्रास, खिंचाव जिसका संसार में नहीं है वो आज ही मुक्त है, मरने पर मुक्त होना है। जियत न तरयो मुए कातरी हो, जियत जो न तरे, गई प्रतीत कीन जिन जासो सोई तहां अमरे, जो कुछ कियो ज्ञान अज्ञाना सोई समझ सयाना, कहें कबीर तासो क्या कहिए देखत दृष्टि भुलाना। जियत न तरयो मुए कातरी हो, जीते जीते नहीं तरह मरने पर क्या तरेगा, जीते जीते तरो। अनासक्त चित्त, ना अनासक्त हो तो भी जमराज तो पकड़ करके ले ही जाएंगे, मेरी न मनाओ जमराज तो मनाएंगे, रहना नहीं यहाँ पक्का समझ लो, न कबीर नगर में रहना है, न प्रीतम नगर में रहना है, न इलाहाबाद में रहना है, न कहीं रहना है। जहाँ जहाँ जो कुंडली बांध करके बैठे हो वो झूठ है जगह, न मुँह छोड़ो, थप्पड़ लगेगा अपने आप छूट जाएगा। अब पहले छोड़ दो, यही जीवन मुक्त होकर के कृतार्थ, ना आना है ना जाना है, शरीर चल रहा है, धौकनी चल रही है। सांप केचली को छोड़ देता है लेकिन वो केचली नष्ट नहीं होती है, तब तक रहती है, हवा से उड़ती इधर उधर चलती। बोधवान का शरीर मानो केचली की तरह है, चलता है शरीर, धौकनी है सांस की आ जा रही है। वो अभी मुक्त है, सांस टूट गया तब भी मुक्त है, सांस टूटने के बाद मुक्ति को उसे आशा नहीं है, अभी मुक्त है, अभी निष्काम, सब तरफ से अनासक्त, आत्म तृप्त, आत्मन्य आत्मना तुष्ट, आत्मा द्वारा आत्मा में संतुष्ट। तथागत बुद्धि यही कहते हैं, प्रतिभासे यत्तमत्तना, अत्तना चोदयत्तानम, परिवासे यत्तमत्तना सोवत्त गुत्तो सतिमा सुखम भिक्खु विहाहिस। अत्तना चोदयत्तानम, अपने आप को स्वयं जागृत करे, सावधान। गुरु तो ऊपर से उपदेश करेंगे, अंदर से स्वयं अपने को जागृत करना पड़ेगा, अंदर का गुरु विवेक। परिवासे यत्तमत्तना,
प्रतिवशेत आत्मानाम आत्मनाः, ये संस्कृत में हो जाएगा। आत्मा द्वारा आत्मा में प्रतिवशेत, अच्छी तरह से बस जाओ, आत्मा द्वारा आत्मा में बस जाओ, पुत्र द्वारा नहीं, शिष्य द्वारा नहीं, धन द्वारा नहीं, आत्मा द्वारा। आप पिछाने आप है आप, ये साहिब की वाणी। अपने आप को अपने आप में पहचानो। पटिवासे अत्त मत्तना सो अत्त गुत्तो, वो अत्त गुप्त है, आत्मगुप्त, आत्म सुरक्षित, गुप्त मतलब सुरक्षित। सो अत्त गुत्तो सतिमा अस्मृतमान है वो, पाली में सतिमा, संस्कृत में अस्मृतमान, जागृत, एकदम भ्रम रहित। सुखम भिक्खु विहाहिस, ऐसा साधक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करता है। ये सुखपूर्वक जीवन मुक्ति का सुख है। इसी धरती पर घूमते फिरते, उठते बैठते, अनासक्त होकर के जियो, मुक्त, अभिमुक्त। मरने पर मुक्ति कोई आशा नहीं, अभिमुक्त। सांस टूट गई तब भी मुक्त, सब समय मुक्त, सब समय कृतार्थ। ये कर्म बंधन का क्षय है। भोग की कोई इच्छा नहीं, कहीं मिलने की इच्छा नहीं, कुछ पाने की इच्छा नहीं, कुछ प्राप्त करने की इच्छा नहीं, जीने की इच्छा नहीं, मरने की इच्छा नहीं, इच्छा मात्र का अंत। तैतरीय उपनिषद में ब्रह्मवल्ली एक है, ब्रह्मानंद वल्ली, शिक्षा वल्ली, भृगवल्ली, ब्रह्मानंद वल्ली। ब्रह्मानंद वल्ली में आया है, मैं कई बार सुनाता रहता हूँ आप लोगों को, एक व्यक्ति है वो हृष्ट पुष्ट जवान, सर्वांग संपन्न, और दुनिया के सारे भोग उसी के लिए हैं, तो एक मानुष आनंद है। ऐसा सौ मानुष आनंद इकट्ठा करो तो एक पितर आनंद है, ऐसा सौ पितर आनंद एक गंधर्व आनंद है, ऐसा सौ गंधर्व आनंद एक देव आनंद है, ऐसा सौ देव आनंद एक इंद्र आनंद है, ऐसा सौ इंद्र आनंद एक प्रजापति आनंद है। लेकिन ये सब आनंद एक तरफ रखो, जिसे आत्मज्ञान है और इच्छा शून्य है, उसके समान एक कोई आनंद नहीं। ये चिंतन हजारों वर्ष पूर्व हमारे ऋषियों ने किया था, चिंतन नहीं किया था, उसमें जिए थे। आत्मज्ञान होना और इच्छा का त्याग होना। इच्छा बांधे बैठे रहो, मर तो जाने हैं, तो इच्छा त्याग करके क्यों ना मरो। सामान्य साधक इसको समझें और थोड़ा थोड़ा इस पर काम करें। जो और ज्यादा बढ़ गए वो ज्यादा काम करें, जो और ज्यादा बढ़ गए हैं वो एकदम डट जाए। सबको लग जाना चाहिए। आखिर सच्चा सुख तो सब चाहते हैं, और सच्चा सुख शांति में। शांति तभी मिलेगी जब मन की खुराफात खत्म होगी। मन की खुराफात रख करके कोई शांति नहीं पा सकता है। मन की खुराफात खत्म होना ही कर्म संस्कारों का क्षय है। तो कर्म, मन वाणी से जो हम करते हैं वो कर्म है। पाप पुण्य उसमें दो हैं, अपने मन इंद्रियों को उत्तेजित करना, दूसरों को तकलीफ देना पाप, अपने मन इंद्रियों को संयत रखना और दूसरे को सुविधा पहुंचाना पुण्य। इसका प्रेरक कोई दूसरा नहीं है, हमारी बुद्धि के अनुसार ये सब होते हैं, इसलिए हमें बुद्धि सुधार करना चाहिए और पाप से हट करके पुण्य करना चाहिए, उसमें भी निष्काम, और कर्मों को सुधारना चाहिए। कर्म सुधार जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। कितना बड़ा मकान बना, कितनी बड़ी जमीन हुई, कितना बड़ा पद हुआ, कितना नाम हुआ, कैसी गाड़ी पर चलते हैं, कितने लोग जानते हैं, इसका कोई मूल्य नहीं। मन मेरा कैसा है, कर्म पवित्र है, कर्म सुधार है, चित्त निर्मल है, अंतर ज्योति, आपकी बादशाहत, आपका परम ऐश्वर्य अंदर है। जब समझ में आवे, विश्वास टिके, करेंगे तब विश्वास टिकेगा, बिना किए नहीं टिकेगा। बिना किए तो लगता है ये वाणी है। जब करे और कुछ उसका रस मिलने लगे, बानगी, तब चेष्टा बढ़ेगी। तो कर्मों को सुधारें और ज्ञान विवेक द्वारा
रागात्मक बुद्धि को जीते। रागात्मक बुद्धि कर्म प्रवाह है, रागात्मक बुद्धि समाप्त हो जाने पर कर्म बंधन कट जाता है। कर्म बंधन कट गया, ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, ये अनुभव की बात है। जब मन में खिंचाव किसी चीज़ के लिए नहीं होता है, किसी के लिए मन में वैर नहीं, मोह नहीं, समताशील, शांत, उद्वेग शून्य चित्त, दुखहीन चित्त, कर्म बंधन कट गया। इससे बड़ा अनुभव क्या होगा? ये स्वसंवेद्य है, पर संवेद्य नहीं है। जो इस स्थित में रहता है वही इसका अनुभव करता है। दूसरे साधक समझदार हैं, श्रद्धावान हैं, तो आहट उसकी वो जान सकते किसी महापुरुष से, नहीं है तो नहीं जान सकते हैं। ऐसे कृतार्थात्मा पुरुषों के पास रहने वालों में अनेक ऐसे हुए हैं जो उनको नहीं जान सके, और जान ही नहीं सके, वो उल्टा जाने हैं, उल्टा किए हैं, क्योंकि उनको श्रद्धा नहीं थी, समझ नहीं थी। लेकिन जिन जो श्रद्धा समझ रखते हैं वे जान सकते हैं, लेकिन जानना भी अनुमानिक होगा, उनका अनुभव नहीं। अनुभव तो तब होगा जो वो स्वयं करेंगे। स्वयं इसको करने की जरूरत है, अपना रास्ता अपने कंधे पर उठा करके चलना होगा। दो आदमी रास्ते जा रहे थे, कहे यार बड़ी ऊब हो रही है, जरा रास्ता कंधा पर उठाओ चलें। तो कहे ठीक है, तो एक कहानी कहने लगा, एक सुनने लगा, बस रास्ता कंधे पर उठा लिया। कंधे पर उठाना हल्का मन हो जाना, मन अलग लग गया तो रास्ता चलने में तकलीफ नहीं हुई। तो मन को सकारात्मक मार्ग में लगाया, वही कंधे पर उठा करके चलना है। स्वयं सकारात्मक साधना में अपने को लगाओ। कर्म बंधनों, पहले कर्म को सुधारो, फिर कर्म बंधनों से ऊपर उठो, और इसी जीवन में परम शांति लाभ करो, यही शुभकामना है। अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम अहम शुद्ध चैतन्य ज्ञान स्वरूपम अजराहम अमराहम अखंडम अनूपम